आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर विदेश नीति देख रहे हैं और आज के विदेश नीति में हम आपको फिर से यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी के बीच सैनिकों के लिए क्या कुछ अच्छा हो रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की सरकार ने अपने सैनिकों के वेतन में किया इजाफा, अब मिलेंगे कुछ ज्यादा पैसे। दरअसल इस बात के लिए इतिहास गवाह है कि जब भी कोई भी देश लड़ते हैं तो इसका खामियाजा उनकी जनता को भुगतना पड़ता है। सिर्फ जंग के दौरान ही नहीं, जंग के बाद भी एक लंबे समय तक अपनी समस्याओं से वे ऊपर उठ नहीं पाते हैं। जंग में थोड़ा या ज्यादा सबका नुकसान होता है, परंतु सबसे ज्यादा नुकसान उस जंग में लड़ रहे सैनिकों का होता है। ये सैनिक चाहे किसी भी तरफ के हों, शहीद होना ही पड़ता है देश के लिए लड़ते लड़ते। और हाँ, जो कुछ भी वे अपने पीछे छोड़ जाते हैं वो है उदासी, मायूसी और कुछ अच्छी यादें। उनके जाने और खोने का दर्द शायद उनका परिवार और उनसे प्यार करने वाले लोग ही समझ सकते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति यूक्रेन और रूस के तरफ से लड़ रहे सैनिकों की है। गलत कौन है, कौन सही है, अगर इस तर्क को अलग करके देखें तो दोनों तरफ लड़ने वाले इंसान की और उनका भी एक परिवार है, बिल्कुल आम लोगों की तरह, और उन्हें उनकी जरूरत भी है। यूक्रेन के कमजोर हालात को देखते हुए वहां के आम नागरिक यूक्रेन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। अपने देश के प्रति यह सच्चा प्यार और देशभक्ति वाकई काबिले तारीफ है। मगर यह प्यार केवल यूक्रेन की जनता ही नहीं दिखा रही है, बल्कि यूक्रेन की सरकार भी अपने सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। दरअसल यूक्रेन की सरकार ने अपने देश के लिए लड़ रहे सैनिकों के वेतन में इजाफा करते हुए उनके वेतन में वृद्धि कर दी है। भारतीय रुपए के मुताबिक अब उन्हें हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। यह सरकार की यह नीति भी हो सकती है ताकि अधिक से अधिक लोग सेना से जुड़े और रूस के खिलाफ जंग लड़ सके। वैसे तो सच है कि पैसों से बढ़कर मोल जिंदगी का होता है, पैसे कभी उस जिंदगी की जगह नहीं ले सकते, परंतु यूक्रेन सरकार किए इस कदम से उन सैनिकों के परिवार को काफी मदद मिल सकती है जिनको उन्होंने अपने देश और देशभक्ति के पीछे रखा है। तो फिलहाल यूक्रेन और रूस की अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।